हेलो दोस्तों, सिंपल फूड हैप्पी लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लैम करी। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसमें ना मसाला पीसने की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाती है लैम करी और बहुत ही डिलीशियस होती है। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। लैम ये मटन जैसे ही एक मीट है और इसका फ्लेवर जो होता है मटन से थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत ही कम तेल में सिर्फ एक पॉट यूज़ करके आप करी बना सकते हो और आपके मेहमान, आपकी फैमिली इस करी को बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं ये लैम करी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम लैम लिया है। ये आप अगर लैम ना मिले तो मटन भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसे धो लीजिएगा और इसे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच मीट मसाला, एक चम्मच काली मिरी का पाउडर, 2 टीस्पून छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक का पाउडर और स्वादानुसार नमक लगा के अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल सकते हो। वाइट विनेगर मीट टेंडराइजर का काम करता है। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से करीबन आधा घंटा रखना है। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। एक बड़े से कुकर में हमें कुकर अच्छी तरह से गरम करके उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। 2 प्याज और 2 टमाटर को आप बारीक काट लीजिएगा और ये तेल में अभी हमें प्याज को डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज को मीडियम आँच पर ही भूनना है हमें, जब तक कि वो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट से ना हो जाए। थोड़े लाल भी आप कर सकते हैं। ये मटन करी आप रेगुलर पॉट में भी बना सकते हो, कुकर में ही बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मटन कुक होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो आप ये कुकर में ही बना लीजिएगा। अब मैंने इसमें टमाटर डाल के वो भी अच्छी तरह से भून लिए हैं। इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची। यहाँ पे ये मिर्ची बहुत ही तीखी है इसलिए मैंने सिर्फ 1 डाली है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। अभी प्याज और अनियन को हम भूनने के बाद इसमें मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। आपको जितना पसंद है उतना लाल मिर्ची पाउडर और जो ब्लैक पेपर है उसका प्रपोर्शन आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मटन को अच्छी तरह से इस मसाले में हम भून लेते हैं। ये जो मसाला है वो जल न जाए उसके लिए बहुत ही थोड़ा सा पानी उसमें डालना है और फिर हम डाल देंगे राउंड कट किए हुए कुछ पटेटोस और उसे इस मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे। हरे धनिया का फ्लेवर इस करी में बहुत ही अच्छा आता है। हरा धनिया आप मीट कुक करते वक्त डाल के एक बार ज़रूर देखिएगा। ये जो आलू है ये मैंने थोड़े से थिक रखे हैं, थोड़े से मोटे रखे हैं। उसकी वजह से जब ये मटन हम कुक करेंगे उसके साथ ये जो आलू है वो कुक हो जाएंगे लेकिन वो पूरे गल नहीं जाएंगे। करीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपको ये मटन को अच्छी तरह से भून लेना है जिससे मसालों का फ्लेवर मटन को अच्छी तरह से लगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप गरम पानी। अगर आपको ज़्यादा करी चाहिए हो तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो। ये मैं थोड़ी पतली करी बना रही हूँ, इसमें ना ही कोई पीसा हुआ मसाला डाल रही हूँ। तो जो पटेटोज़ का थिकनेस और ये मटन का जो फ्लेवर है इस करी को अच्छी तरह से फ्लेवरफुल बना देता है। आप यहाँ पे सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम हो तो नमक डाल सकते हैं। और फिर 10 मिनट तक इसे पकाना है कुकर का ढक्कन बंद करके। अगर आप चाहे तो 4 विसल्स मीडियम फ्लेम पे लगा सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। 10 मिनट के बाद हम कुकर ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ेदार सी लैम करी तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी बनी है। और इसे अब हम कुछ
नान के साथ और थोड़े राइस के साथ सर्व करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे भाकरी और ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे करी कितनी पतली सी है, लेकिन फिर भी बहुत ही फ्लेवरफुल है। लैम का फ्लेवर इस पटेटोज में और करी में अच्छी तरह से मिल गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। एक सर्विंग बोल में अब हम इसे निकाल लेते हैं, कुछ रायते के साथ, कटे हुए प्याज के साथ और नींबू के साथ ये करी का स्वाद दुगना हो जाता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।